वेलकम बैक दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने क्रिकेट गुरुजी चैनल में। आज बहुत ही बड़े प्लेयर के, बड़ी हस्ती के बारे में बात करेंगे, जो उभरते प्लेयर है, जो अब इंडिया का फ्यूचर बन गए दोस्तों, इंडियन क्रिकेट टीम के अहम हिस्से में अहम प्लेयर कहा जाता है जिन्हें, जिनका नाम है KL राहुल, स्टाइलिश प्लेयर भी जिन्हें कहा जाता है। उनका जन्म हुआ दोस्तों 18 अप्रैल 1992 में बेंगलोर में। दोस्तों बहुत ही छोटी सी उम्र में उनको जो खेलने कूदने के दिन होते हैं उन्हें क्रिकेट से प्यार हो गया, लगाव हो गया दोस्तों, क्योंकि उनके पिताजी को भी क्रिकेट पसंद था। प्रोफेसर रहे उनके पिताजी, बहुत ही क्रिकेट के शौकीन रहे दोस्तों, और KL राहुल के अंदर जो क्रिकेट भरा है उनको उन्होंने पहचान लिया, और ऐसे अपने बेटे को सपोर्ट करते हुए KL राहुल को उनके पिताजी ने बहुत ही बड़ा सपोर्ट कर दिया। हालांकि वो बहुत बड़े प्लेयर बनने में उनको बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी मुसीबतों का उन्होंने सामना किया। KL राहुल ने आज इंडियन टीम के अहम हिस्से हिस्सेदार है, अहम प्लेयर है दोस्तों, बहुत ही बड़े क्रिकेटर बने हैं आज। जो बचपन में उनको तकलीफें हुई दोस्तों, हालांकि KL राहुल के पिताजी को भी क्रिकेट का बहुत ही शौक था दोस्तों, तो कभी टाइम मिलता था तो वो अपने स्टूडेंट के साथ मैदान में क्रिकेट खेला करते थे टाइम निकल कर, तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर रहे दोस्तों। अंडर 13 के जो टीम रहते हैं वहाँ पे एक बार KL राहुल को रिजेक्ट भी कर दिया गया दोस्तों, तो वहाँ पे भी KL राहुल बहुत ही डिमोटिव हो गए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे रिजेक्ट होने के बाद वो बहुत डिमोटिव हो गए, तो इसलिए फिर भी उनको उनके पिताजी पर उनके ऊपर पूरा भरोसा था दोस्तों, क्योंकि उनको पता था कि उनके बेटे में काफ़ी हुनर है, टैलेंट है, काफ़ी अच्छा खासा भरा हुआ टैलेंट है, तो इसलिए उनके पिताजी को उनके ऊपर पूरा भरोसा था। बहुत ही समय के बाद और कुछ दिन बीत जाने के बाद उनका टीम अंडर 13 में सिलेक्शन भी हो गया दोस्तों। तो उनके बाद दोस्तों जो एकेडमी रहती थी दोस्तों 20 किलोमीटर दूर उनसे घर से, उनके घर से, तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कत आती थी उनको जहाँ ट्रैवलिंग करने में, लेकिन KL राहुल ने हार नहीं मानी, बहुत ही कोशिश करते रहे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्लेयर और काफ़ी अच्छे ओवर करा गए। एक बार चिन्नास्वामी स्टेडियम में दोस्तों प्रैक्टिस मैच में कुछ तो मैच हुआ था, तो वहाँ पे राहुल द्रविड़ को काफ़ी प्रभावित किया KL राहुल ने, और राहुल द्रविड़ ने कहा कि उनके कोच से राहुल KL राहुल के कि ये बच्चा काफ़ी मेहनती है, अच्छा खासा टैलेंटेड, इससे अच्छी खासी मेहनत करवा दीजिए दोस्तों आप, तो बहुत ही बढ़िया वो परफॉर्मेंस उसके बाद रहा उनका। 2010 में अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में भी KL राहुल खेले, तो वहाँ से मौका मिलने के बाद दोस्तों असली उनका टैलेंट उभर कर आया। 2016 में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ ODI में डेब्यू कर दिया, तो वहाँ से उनके करियर की अच्छी खासी शुरुआत हो गई दोस्तों। हार्ड वर्कर है, काफ़ी कॉन्फिडेंटल बल्लेबाज है दोस्तों, विकेट कीपिंग में भी उन्होंने अच्छी खासी तरक्की हासिल की है दोस्तों। उनको फ्यूचर ऑफ धोनी भी कहा जाता है विकेट कीपिंग में, और दोस्तों किंग कोहली से और धोनी, महेंद्र सिंह धोनी से भी उनकी तुलना की जा रही है दोस्तों, तो ये बहुत ही बढ़िया उभर कर आया हुआ सितारा इंडियन क्रिकेट का, बहुत ही बढ़िया हार्ड वर्कर, बहुत ही स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने, हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाँच मैचों की टी ट्वेंटी सीरीज में दोस्तों उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए KL राहुल ने मैन ऑफ द सीरीज के अलावा ICC रैंकिंग में दोस्तों 2 नंबर पे भी उनको जगह मिली है दोस्तों। ICC रैंकिंग में राहुल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और वो दुनिया के क्रिकेट नंबर 2 के बल्लेबाज बन गए T20 में। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज हुई दोस्तों उन्होंने 2 अर्धशतक सहित कुल 224 रन बनाए। T20 के क्रिकेट में राहुल का ये सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है दोस्तों, उनके टोटल पॉइंट है 823 और T20 बल्लेबाजों में 1 नंबर पर है पाकिस्तान के बाबर आजम। तो राहुल जल्द ही एक आशा करते कि 1 नंबर पे पहुंच जाएंगे, और दोस्तों सुनहरा मौका होगा दोस्तों, बहुत ही वो यादगार पल जो KL राहुल के लिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया ऊंची बुलंदी पे पहुंच जाएंगे दोस्तों, बहुत ही स्टाइलिश प्लेयर इन्हें कहा जाता है और हार्ड वर्कर भी कहा जाता है दोस्तों। कौन से भी बैटिंग ऑर्डर पे आप इनको भेज दीजिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस ये देते आ रहे हैं दोस्तों, और विकेट कीपर भी अब उन्हें ही खिलाया जा रहा है दोस्तों मैचों में, तो बहुत ही, कौन से भी आप बैटिंग ऑर्डर पे इन्हें भेज दीजिए, बहुत ही अच्छा बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों।
ऐसे KL राहुल आगे बढ़ते रहे, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं दोस्तों। और सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।